अरे अंकल इसको पकड़ो भाई, 5 सेकंड 6 सेकंड में तुम ऑर्डर स्किप कर दे रहे हो, राइड स्किप कर दे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी बज रहे हैं 16:53, यानी कि लगभग 5 बजने वाले हैं शाम के, और मैं वर्क करने वाला हूँ बाइक टैक्सी में आज। रैपिडो फिलहाल के लिए मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो रैपिडो ऑनलाइन है एंड जोन के अंदर ही हूँ मैं, एंड ओला भी मैं दिखा देता हूँ, ओला भी मैं ऑनलाइन हूँ। कल से मैं इन ड्राइवर में भी वर्क करूँगा, आज तो नहीं बट कल से मैं इन ड्राइवर में भी वर्क करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे जितने आप बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सको मल्टीपल टाइम एक वक्त में, जितने भी आप यूज़ कर सको उतना आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको खाली नहीं लेना पड़ता, आपको समय समय पे राइड मिलती रहती है, तो इसलिए मल्टीपल ऑप्शन चुनना बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप सब में ऑनलाइन रहोगे तो किसी ना किसी में आपको राइड असाइन हो ही जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे ओला रैपिडो यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं हमारी आज कितनी अर्निंग होती है और कितनी जल्दी हमें राइड मिलती है, चलिए वेट करते हैं। तो भाई अब बज चुके हैं 5:30 एंड 5:30 ही हमें ओला की फर्स्ट राइड मिली, तो फटाक से हम लोगों ने ओला की ये राइड पिक करी, एंड पता चला क्या कस्टमर आसपास ही हैं, तो हमने कॉल किया कस्टमर को, एंड उसके बाद पता चला कस्टमर हमारे जस्ट सामने खड़े हैं, वो आप देख सकते हो सामने खड़े हैं। तो फटाफट हमने कस्टमर के पास हम गए, एंड कहाँ चल रहा भैया? तो हम लोगों ने फटाक से OTP इंटर करी, बिकॉज़ जो कस्टमर थे उनको बहुत लेट हो रहा था, बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने राइड अपनी स्टार्ट करी। लगभग 6 to 7 किलोमीटर की राइड थी, जकरकट्टी जाना था, एंड देखते हैं यहाँ पे ओला में हमें ऑन राइड पे कितना अर्निंग होती है, बिकॉज़ कल की डेट में हम लोगों ने ऑफ राइड की थी तो ओला ने अच्छा खासा पे किया था, 200 रुपये एक राइड पे, बट इस राइड पे देखते हैं कितनी अर्निंग होती है। 6 से 7 किलोमीटर की राइड है ये, देखते हैं कितनी अर्निंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब पहुँचने वाले हैं जकरकट्टी बस अड्डे, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक बस जा रही है, तो ये एक मंजर हर एक कानपुर निवासी को याद होगा, आज से एक साल पहले जकरकट्टी में एक इलेक्ट्रिक बस द्वारा एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें ब्रेक फेल होने के कारण नए कितने लोगों की मौत हुई थी, 9 से 10 लोग की मौत हुई थी ऑन द स्पॉट। तो वो मंजर जिन जिन को याद है, जिन जिन को फेस हुआ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस वाला हादसा बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। तो दोस्तों लगभग 20 मिनट के बाद हम लोग पहुँच चुके थे जकरकट्टी बस अड्डे, एंड फाइनली हमने फटाफट इस राइड को कंप्लीट किया, देखते हैं हमारी अर्निंग कितनी बनती है। ओला ये फर्स्ट राइड आज की कैश राइड है, तो इस राइड में हमें मिला टोटल 75 रुपीज़ जो कस्टमर ने हमें एज अ पे किया कैश, ठीक है। अब हमने इनको स्टार रेटिंग दी एंड फटाफट इनको जो बाकी रिमेनिंग कैश था उनको दिया, एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राइड पे, हमें देखते हैं अब राइड किस में मिलती है, रैपिडो में या फिर ओला में। भाई साहब इतना बड़ा जाम लगा है कि कुछ तो भाई जी यहाँ पे टाइम हो चुका था 7 और हम खा रहे थे पकौड़ी, खाते खाते हमें मिल गई राइड रैपिडो की। अब राइड में जाना था हमें जाजमाऊ, कस्टमर से हमने कॉल कर लिया था, अब हम चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं उनकी लोकेशन से एंड निकलते हैं जाजमाऊ। भाई ये दादा नंबर 6 कहाँ पड़ेगा? दादा नंबर 6 फाटक नंबर 6 हाँ आगे है। अच्छा ये जो
ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड राइड पिक करने तो हम आ गए, बट यहाँ पे कस्टमर को नामो निशान कहीं नहीं दिख रहा। उनके लोकेशन पे हम खड़े थे बट कस्टमर कॉल मिला रहे थे, लग नहीं रही थी। एंड फाइनली 5-10 मिनट बाद कस्टमर के दर्शन हुए एंड OTP हमने एंटर करी तो पता चला जाजमऊ से भी 1 किलोमीटर दूर इनको ड्रॉप करना है। लगभग 8 किलोमीटर की राइड थी, 8-9 किलोमीटर की राइड थी, रैपिडो की थी। अब देखते हैं हमें इस राइड में कितनी अर्निंग होती है, वो भी लगभग 6 बजे के बाद की राइड है तो थोड़ा बहुत फेयर एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बट देखते हैं कितना मिलता है इस राइड पे रैपिडो की। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो लोकेशन पे जा रहे हैं जाजमऊ के कैंट वाले लोकेशन पे, वहाँ से बैक राइड बहुत ही मुश्किल होती है। तो देखते हैं इस राइड को कंप्लीट करने के बाद हमें बैक राइड मिलती है या फिर नहीं मिलती, या फिर घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब पहुँच चुके हैं जाजमऊ एंड हम लोग ने भैया को उनके घर पर ड्रॉप किया, लोकेशन पर ड्रॉप किया एंड अब हम लोग राइड को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं हमारी कितनी अर्निंग हुई है रैपिडो में 9 किलोमीटर की इस राइड पे। तो फटाफट हमने यहाँ पे कंप्लीट राइड किया तो भाई साहब लॉन्ग डिस्टेंस पे कम अर्निंग होती है रैपिडो में, ये 2 दिन पहले देख चुका था एंड आज भी वही हाल रहा। 64 रुपीज़ इस राइड की, 9 किलोमीटर की राइड में 64 रुपीज़ की अर्निंग मुझे हुई है। तो भाई साहब रैपिडो किस हिसाब से पे कर रहा है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, ना एक्स्ट्रा फेयर ना कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज कुछ भी नहीं। दोस्तों इस राइड को कंप्लीट करते ही हम लोग को थर्ड राइड मिली रैपिडो की, चलिए हम लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। हेलो, हाँ भी वो आपकी राइड थी भैया, कहाँ पे जाना है? काली मठिया जाना है। अच्छा, क्या ऐसा क्या? तो भाई साहब यहाँ पे थर्ड राइड को मैंने पिक तो कर लिया बट यहाँ पे अब पता चला कि जो हमारे कस्टमर की लोकेशन है वो बिल्कुल गलत एंटर करी हुई, यानी कि कस्टमर जो लोकेशन ड्रॉप करी है वो गलत ड्रॉप है। कस्टमर बेसिकली टाटनी चौराहे में है एंड उन्होंने लोकेशन गलत ड्रॉप कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कभी फंसो तो उस समय करना क्या है आपको, सिंपली तो आप राइड कैंसिल कर सकते हो कस्टमर के बजाय या फिर आपके बजाय, या फिर आप कस्टमर से डायरेक्टली सरचार्ज वसूल सकते हो। ये अमाउंट आप ले सकते हो कस्टमर से डायरेक्टली, ये आपका अधिकार है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा आप चल कर कस्टमर के पास जा रहे हो तो उसका अमाउंट आपको कंपनी पे करने वाली नहीं है, ठीक है, वो अमाउंट आपको कस्टमर ही देगा। तो कस्टमर आपको बोलना पड़ेगा कि हम एक्स्ट्रा चल के आ रहे हैं, एक्स्ट्रा किलोमीटर आपको पास आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ेगा। तो इस राइड में मेरे साथ यही हुआ, तो मैंने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया कस्टमर के ऊपर, तो यहाँ पर कस्टमर एग्री कर गया। तो 85 रुपीज़ की ये राइड थी, मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा यानी कि 105 रुपये की ये राइड बनी हमारी। चलिए हम कस्टमर को पिक करते हैं टाटमिल चौराहे से एंड उनको ड्रॉप करते हैं उनके डेस्टिनेशन पर। फाइनली पहुंच चुके हैं काली मठिया एंड फटाफट हम लोग कस्टमर को उनके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया एंड अब करो आप काली मठिया मंदिर के दर्शन। लागे जो कोई सारी दुनिया तो किस दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसकी ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। दोस्तों मुझे यहाँ पे रैपिडो का ये सीन बहुत ही ज़्यादा घटिया लगा है कि आपको जो राइड मिले वो कम से कम उस राइड को पिक करने का आपको समय देना चाहिए, लगभग 20 सेकंड तो आपको देना ही चाहिए।
अब भाई साहब मैं यहाँ पे अभी ऑन द वे था, घर के लिए जा रहा था, तो ऑनलाइन हो चुका था क्योंकि हो सकता था कि एक राइड मिले, एंड फाइनली मुझे राइड भी मिली। बट यहाँ पे उठाने के लिए जब तक मैं साइड में आया तब तक ये राइड मेरे से हट चुकी थी। तो भाई साहब रैपिडो टीम से मैं कहना चाहूँगा कि इस अपडेट को आप चेंज करो, इस चीज़ को आप चेंज करो, कम से कम 15 से 20 सेकंड का आप टाइमर रखो एक राइडर को पिक करने के लिए राइड। अब ऐसे में मैंने कितनी राइड मिस हो जाती है, मेरे से भी आज 2 राइड मिस हुई इसी के रीज़न। ठीक है, कम से कम 15 से 20 सेकंड का टाइम रखो ताकि राइडर आराम से पिक कर पाए उस राइड को। ठीक है, तो यहाँ पे अब बच चुके थे रात के 8:25 एंड फाइनली हम लोगों ने वर्क किया था 5:30 बजे से लेके, तो अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे हम लोग को हो चुके हैं वर्क करते करते। तो हम लोग घर चलते हैं क्योंकि अब राइड मिलेगी भी तो आउटर जोन की मिलेगी, तो हमें पिक करने नहीं है। तो अब घर निकलते हैं, एंड आज की हमारी टोटल जो अर्निंग बनी है 3 राइड पे, 3 घंटे में 3 राइड हमने करी है, और टोटल हमारी जो अर्निंग है 105 रुपये प्लस 64 रुपीज़ एंड 75 रुपीज़। तो अराउंड दैट आज की जो अर्निंग है वो ये बनी है, एंड इसमें जो हमारे जो पेट्रोल लगा है वो लगभग 70 से 80 रुपये, क्योंकि हमारी जो गाड़ी चली है वो ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर चली है। ठीक है, तो आज की इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो चले जय हिंद, वंदे मातरम।